ऐसे व्यक्ति है जो ईरान से चलकर पाकिस्तान होते हुए और हमारे बनारस में पहुंचे हैं। पिछले 2 महीना से ईरान से आने में और हमारे बनारस पहुंचे हैं, लेकिन हम लोग गर्व उन लोगों के अदर कंट्री से आकर हमारे। हेलो हेलो चेक, हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के बीच एक बहुत बड़ी खबर ला रहा हूँ। ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान की नगरी में वो भी कहा तो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचा। उस शख्स को काफ़ी परेशानी हो रही थी, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उस शख्स ये भी सोच रहे होंगे कि उस शख्स फ्लाइट से आया होगा, वो शख्स एरोप्लेन से यानी ट्रेन से आया होगा, वो शख्स पानी वाली जहाज से आया होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उस शख्स के हाथ में क्या थी तो साइकिल थी। अब इस शख्स ने, इस व्यक्ति ने उनकी मदद की है, उनसे बात की है, उनके लैंग्वेज तो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन इन्होंने गूगल ऐप के जरिए, गूगल ऐप के सहारे उनसे ट्रांसलेट किया, उनकी भाषा को अपनी भाषा में कन्वर्ट किया और समझा, और इनकी भाषा वो नहीं समझ पा रहे थे तो अपनी लैंग्वेज को उनकी भाषा में इन्होंने कन्वर्ट किया है। पूरा क्या है मामला, इस शख्स से जानते हैं, इन व्यक्ति से जानते हैं। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। शुभ नमस्कार, मेरा नाम हिंदू रोशन कुमार केसवानी, मैं बिहार जहानाबाद का रहने वाला हूँ। मैं फिलहाल 2 वर्षों से वाराणसी में रह रहा हूँ। वाराणसी नगरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे क्या हुआ, पूरा वाक्य को सामने प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि मामला सोचने का है। ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत, और भारत में कहाँ तो बाबा की नगरी विश्वनाथ नगरी में। पूरा क्या है मामला दर्शक जानना चाहते हैं, वो भी वीडियो हम आपको दिखाएंगे कि वो शख्स है कौन। उस शख्स से आपसे वार्ता भी हुई है, वो भी साइकिल पे बैठा हुआ है शख्स और आपसे वार्ता हो रही है। पूरा क्या है मामला, जरा मामले को घटी क्या घटी है जरा साक्ष में, पूरा वाक्य में बताइए। जब मैं मार्केटिंग के लिए जब निकल रहा था जी, तब वो लोग 3 लोग इधर उधर भटक रहे थे, और लास्ट में मुझे बोलते हैं सर एक्सक्यूज मी, तो मैं उनसे पास जाता हूँ, वो अपने भाषा में बताना चाह रहे हैं लेकिन मैं नहीं उसके भाषा समझ पा रहा था। जिसके प्लस से उनके पास एक फ़ोन था, और फ़ोन में उनके पास एक एप्लीकेशन था जिसके जरिए हम दोनों में उससे बातचीत हुआ, जिससे वो मैं अपनी भाषा को मैं बोला तो उससे कन्वर्ट हो जाता था उनके भाषा में, ठीक है, तो और वो अपनी भाषा में बोलते तो हिंदी भाषा में कन्वर्ट हो जाता, जिसके जरिए हम दोनों से बातचीत हुआ और उसके सहारे हम उनको मदद करें। कैसा लगा आज भारत के, आप हैं इंडियन हैं और इस देश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आपने उनकी मदद की, ऐप के जरिए गूगल को क्या संदेश देना चाहेंगे। गूगल ने काफ़ी योजनाएं लाया है कन्वर्टेड करने का जो विकल्प है, यदि आपको लैंग्वेज कभी भी नहीं समझ में आती है तो डायरेक्ट आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्या कहना चाहेंगे गूगल को। देखिए जो गूगल एप्लीकेशन के जरिए जो भी ऐप है, जिसके वजह से कुछ अच्छे ऐप है जिसके वजह से हम लोगों को मदद भी हो जाता है, कुछ ख़राब भी है, लेकिन हम लोगों को पॉजिटिव भी सोचना है जिसके वजह से किसी का मदद हो सके, उसी के जरिए हम दोनों बातचीत हुआ जिससे उनको परेशानी का समस्या मैं दूर किया। क्या कहना चाहेंगे और भी देशवासियों को, और भी जो अदर देश के हैं, जैसे अब क्या है हकीकत, आप तो पूरा ब्यौरा ले नहीं सकते हैं क्योंकि अगर इस पर ज़्यादा चर्चा भी करना उचित नहीं रहेगा। हमें पूरा उम्मीद है कि वो शख्स अच्छा रहा होगा, तभी दूसरे देश से यहाँ आया होगा। क्या कहना चाहेंगे, मदद करके कैसा लगा उस व्यक्ति का। मुझे गर्व की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय यानी अदर कंट्री से आकर हमारे बनारस के बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी में साइकिल से चलकर पिछले 8 महीनों से, और पाकिस्तान से पिछले 2 महीनों से चलकर वाराणसी आया दर्शन करने के लिए, हमें गर्व की बात है और हिंदुस्तान के लोगों के लिए भी गर्व के लिए बात है, और बहुत जल्द ही हिंदुस्तान भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत का नाम बहुत ऊँचे स्थानों पर होगा। लेता हूँ विराम, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि वो शख्स है कौन, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, पार्वती पते हर हर महादेव। रात को 1 बज चुके हैं और 1 बजे का ये नज़ारा है वाराणसी का, आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। तो ऐसे व्यक्ति है जो ईरान से चलकर पाकिस्तान होते हुए और हमारे बनारस में पहुंचे हैं, पिछले 2 महीना से ईरान से आने में और हमारे बनारस पहुंचे हैं, लेकिन हम लोग गर्व उन लोगों के अदर कंट्री से आकर हमारे बनारस में काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने आए हैं, घूमने आए हैं। ऐसे लोगों को आप लोग को जहाँ ऐसे लोग मिले वहाँ सपोर्ट करें, सहयोग करें। जय हिंदू राम, जय श्री राम, बोलो। थैंक यू।
ऐसी ही वीडियो आपके सामने हम प्रस्तुत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।